हेलो व्यूअर्स, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए करें 12 में से कोई एक उपाय, ताकि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाएं। ये उपाय करने से हर मनोकामना पूरी होती है और धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये है जन्माष्टमी के अचूक 12 उपाय। एक भी करेंगे तो होगा फायदा। नंबर एक, आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएं। इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या सफ़ेद मिठाई बांटें। नंबर दो, जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन लगातार नारियल व बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर तीन, यदि पैसे की समस्या चल रही हो तो जन्माष्टमी पर सुबह स्नान आदि करके बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करें व पीले फूलों की माला अर्पित करें। इससे आपकी परेशानी कम हो सकती है। नंबर चार, सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी पर पीले चंदन या केसर से गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी लगाएं। ऐसा रोज करें। इस उपाय से मन को शांति प्राप्त होगी और जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनेंगे। नंबर पाँच, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं भी केले का पौधा लगा दें, बाद में उसकी नियमित देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगें तो इसका दान करें, स्वयं ना खाएं। नंबर छः, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करें और उसके बाद इस पत्ते पर रोली कुमकुम से श्री यंत्र लिखकर तिजोरी में रख लें। इस उपाय से धन वृद्धि के योग बन सकते हैं। नंबर सात, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर आठ, जन्माष्टमी पर दक्षिणाव्रति शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। ये उपाय करने वाले की हर इच्छा पूरी हो जाती है। नंबर नौ, कृष्ण मंदिर जाकर तुलसी की माला से नीचे लिखे मंत्र की 11 माला जप करें। इस उपाय से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरिम परमात्मने प्रणतम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। जन्माष्टमी पर पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। नंबर 11, जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें तो जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनते हैं। नंबर 12, जन्माष्टमी के दिन शाम को तुलसी में गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए करें इन 12 में से कोई एक उपाय, ताकि कान्हा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे।